अनिल जलोटा साहब और अनूप जलोटा साहब कृपया मंच पर ही रहें, क्योंकि हम उस पुरस्कार को प्रदान करने वाले हैं। उसका ये दूसरा ही वर्ष है पुरस्कार का। पिछले वर्ष हमने ये पुरस्कार चेन्नई की सुश्री श्वेता प्रचंडे जी को दिया था, और इस वर्ष जिस नृत्यांगना को हम ये पुरस्कार देने वाले हैं उसका नाम है ओडिसी नृत्यांगना सुश्री राजश्री प्रहराज जी, जो भुवनेश्वर से यहाँ हैं। मैं पुरस्कार प्रदान करने के लिए जहाँ अनिल जलोटा साहब अनूप जलोटा साहब दोनों से प्रार्थना कर ही रहा हूँ, वहीं मेरी प्रार्थना है श्री ओम छंगाणी साहब से कि कृपया मंच पर आने की कृपा करें। ओम छंगाणी फिल्म्स के प्रमुख ओम छंगाणी साहब। हम पुरस्कार में हर पुरस्कार विजेता को शॉल, तुलसी का पौधा, सम्मान पत्र, पुरस्कार चिन्ह, पुरस्कार की राशि का चेक और फिर इतनी सारी सामग्री को ले जाने के लिए एक बैग साथ में लेंगे। जिस नृत्यांगना को आज ये पुरस्कार दिया जा रहा है उसे जो सम्मान पत्र दिया जाएगा वो मैं पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई द्वारा ग्लोरी अवार्ड 2017 के अंतर्गत श्रीमती मेधा जलोटा श्रेष्ठतम मेधावी नृत्यांगना पुरस्कार उदयोन्मुखी नृत्यांगना सुश्री राजश्री प्रहराज जी को प्रदत्त। विश्वविख्यात नृत्यकार और गुरु श्री केलुचरण महापात्रा जी से नृत्य की शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य आज का पुरस्कार प्राप्त करने का मैं बुला रहा हूँ ओडिसी नृत्यांगना सुश्री राजश्री प्रहराज जी। पुरस्कार की सामग्री मंच पर लाई जाए। शॉल, तुलसी का पौधा, सम्मान पत्र जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, पुरस्कार चिन्ह, पुरस्कार की राशि का चेक और इन सब चीजों को ले जाने के लिए एक मजबूत बैग। शॉल, जाहिर है शॉल पहनाना अनूप जलोटा साहब को ही सबसे उचित कार्य है। उन्होंने इतने शॉल पहने हैं कि अब वो समझ गए हैं शॉल पहनाया कैसे जाता है। तुलसी पौधा और सम्मान पत्र मैं चाहूंगा अनिल जलोटा जी प्रदान करें, तुलसी पौधा भी और सम्मान पत्र भी। सम्मान पत्र पुरस्कार चिन्ह जो विशेष रूप से जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अलग ढंग से बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयुक्त वो पुरस्कार चिन्ह अब आपके सामने आएगा। पुरस्कार चिन्ह जरा भारी पुरस्कार चिन्ह है, उसे लाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ये अनूप जी प्रदान करेंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण है पुरस्कार की राशि का चेक। वो चेक आएगा और ओम छंगाणी साहब
पुरस्कार की राशि का चयन प्रदान करेंगे। उससे पूछा जा रहा है चेक का लिफाफा खोल कर दें कि बंद करके दें। मैंने कहा चेक का लिफाफा बंद रहने दो। और अब मैं चाहूंगा कि जिसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो उद्योन्मुखी नृत्यांगना सुश्री राजश्री प्रहराज जी अपनी भावनाएं दो शब्दों में यहां प्रकट करें। राजश्री, नमस्कार। आज यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजन और गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया और इस अवार्ड मेरे नृत्य क्षेत्र में मुझे और एक स्टेप आगे जाने की प्रेरणा देगी। थैंक यू एंड थैंक यू दशापा एंड उमापा अनुजी एंड ऑफ कोर्स माय गुरुजी गुरु केलुचरण महापात्र एंड रतिका महापात्र। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई राजश्री जी। अब सचिव जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें ताकि मैं अगला आइटम पेश करवा सकूं। फिर से बुलाऊंगा हर पुरस्कार के लिए इस मंच पर। और 2017 के अंतर्गत पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री जसपाल सिंह जी को प्रदत्त। कानून के दांव पेच के खिलाड़ी श्री जसपाल सिंह जी वकालत के क्षेत्र से संगीत के क्षेत्र में सुरों के सफल खिलाड़ी के रूप में उभर कर चमकने लगे। संगीत निर्देशक श्रीमती उषा खन्ना जी, श्री सी अर्जुन जी, श्री राज कमल जी और श्रीयुत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जैसे गुणी विद्वानों के साथ साथ श्री जसपाल सिंह जी ने गीतकार संगीतकार गायक पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन जी की अनगिनत रचनाओं को गाकर अपार लोकप्रियता हासिल की। हृदय से भावनापूर्ण गायन प्रस्तुत करने वाले श्री जसपाल सिंह जी ने जन जन के मन में अपने लिए एक अलग अपनत्व वाला स्थान बना लिया। श्री जसपाल सिंह जी के गाए गीतों पर अभिनय करने वाले अभिनेता को अपनी आवाज से सजीवता प्रदान करने वाले श्री जसपाल सिंह जी बहुत कम समय में ही विश्व भर में अपार लोकप्रिय बन गए। ग्लोरी अवार्ड 2017 के अंतर्गत गीतकार संगीतकार गायक श्री रविंद्र जैन जी के नाम से सुशोभित पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार उन्हीं की रचनाओं को गाकर अति लोकप्रियता प्राप्त करने वाले सुरीले सफल और प्रतिभावान पार्श्व गायक श्री जसपाल सिंह जी को प्रदान करते हुए जनोटा वेलफेयर फाउंडेशन स्वयं गौरवान्वित अनुभव करता है। चयन समिति ग्लोरी अवार्ड 2017 जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन मेंबर। मैं एक चीज चूंकि जसपाल जी यहां मौजूद हैं जरूर बताना चाहूंगा कि वैसे पहला गीत फिल्म के लिए उषा खन्ना जी ने गवाया था वो पारिवारिक फिल्म थी और वो गीत बहुत ज्यादा लोगों के सामने आया भी नहीं। लेकिन जिस गीतकार संगीतकार गायक ने जसपाल सिंह जी को पार्श्व गायक जसपाल सिंह बना दिया। अब एक जानकारी पता नहीं आप में से कितने लोगों को होगी, सच्चाई यह है कि जिस फिल्म के लिए रविंद्र जैन साहब ने जसपाल सिंह जी का चुनाव किया और थोड़े दिन गानों की रिहर्सल भी हुई उसके बाद अचानक फिल्म निर्माता जी को उस अभिनेता ने फोन किया कि मैं स्वयं अपने गीत गाना चाहता।
फिल्म निर्माता जी प्रसन्न हो गए कि अभिनेता खुद गाएगा। उन्होंने रविंद्र जैन जी से कहा कि भाई वो अभिनेता स्वयं गीत गाएगा। जसपाल सिंह जी थोड़े परेशान जरूर हुए कि पहला मौका मिल रहा है और ये क्या हो रहा है, लेकिन रविंद्र जैन साहब अद्वितीय गुणों के मालिक थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा ठीक है बुला लीजिए उसे, रिहर्सल कर लेते हैं। दूसरे दिन वो अभिनेता आए, रविंद्र जैन साहब ने हारमोनियम लिया और कुछ ऐसी मुश्किल बंदिश उसके सामने रख दी कि भैया इसे अब गाना है, खुद गा के सुना रहे हैं। वो अभिनेता बहुत कोशिश करने के बावजूद जब उस रचना को नहीं गा पाया तो उसने खुद ही हाथ जोड़ के कहा कि नहीं रहने दीजिए, वो जो गायक गा रहा है उसी को गाने दीजिए। और तब रविंद्र जैन साहब ने अपने खास स्टाइल में गर्दन ऊंची करके कहा कि ओ गुरु कैसी रही। और वहां से जसपाल सिंह गीत गाता चल और फिर एक के बाद एक रचनाएं जो आपके सामने आती गई वो जसपाल जी आपके समक्ष है। मैं चाहूंगा कि शॉल, तुलसी पौधा, सम्मान पत्र, पुरस्कार चिन्ह और पुरस्कार राशि बैग सहित यहाँ लाई जाए। अनूप जलोटा साहब शॉल पहनाएंगे। तुलसी का पौधा और सम्मान पत्र ये अनिल जलोटा साहब भेंट करेंगे। सम्मान पत्र भी लाया जाए। रविंद्र जैन साहब और दिव्या जैन जी का पुत्र एकमात्र आयुष्मान यहां मौजूद है। मैं चाहूंगा आयुष्मान भी इस मंच पर आए। आयुष्मान और अब पुरस्कार चिन्ह। गायक ऐसा होता है देखिए कि पुरस्कार देने वाले चारों पकड़े हुए खड़े हैं, पुरस्कार लेने वाला हाथ ही नहीं लगा रहा। और अब पुरस्कार की राशि का चेक, और मैं चाहूंगा कि श्रीमती दिव्या जैन जी ये चेक प्रदान करें जसपाल सिंह जी को। सी बेसिकली मैं म्यूज़िक के साथ तो 40-45 साल से एसोसिएटेड हूँ और अनूप जी के साथ भी करीब 30-35 साल से। तो म्यूज़िक अनूप जी के फाउंडेशन में ये एक्चुअली मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पर इसके बारे में बहुत सालों से सुनता आया हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि आर्टिस्टों को सहारा जाता है ताकि एक एक्नॉलेजमेंट लोगों को मिले, और इसमें इस बार मुझे अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। जी 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 एग्जैक्टली अनूप जी की खासियत है कि वो जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो नए नए आर्टिस्ट हैं, उनको इतना बढ़ावा देते हैं, उतना सपोर्ट करते हैं कि म्यूज़िक हो, डांस हो कि इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उनको प्रोजेक्ट करना, प्रमोशन करना ये उनका जैसे धर्म बन गया है। और काफ़ी देखेंगे जो नए नए आर्टिस्ट हैं उनको अनूप जी प्रेजेंस या अनूप जी ने एक भजन या एक गज़ल गा के उनको सराहा है, तो उस तरह से अनूप जी ऑलवेज प्रमोट करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो आप काफ़ी टाइम से उस इंडस्ट्री में हैं। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ, मैं बेसिकली गुजराती म्यूजिशियन हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ
और गवाता हूँ लोगों से। अनूप जी के साथ भी और काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मैंने एल्बम्स किए हैं और करीब 40 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, पर मैं हिंदी, बंगाली, मराठी और गुजराती ऑफ कोर्स और संस्कृत, सब तरह के मैंने एल्बम्स किए हैं और बहुत से आर्टिस्टों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। प्लेजर। कई सालों से हो रहा है, 9th ईयर है, और हम इसमें बड़े बड़े कलाकारों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है उन्हें हम सम्मानित करते हैं और साथ ही साथ नए कलाकारों को पेश करते हैं जो कल अपनी जगह बनाएंगे। आज करीब 10 नए अप एंड कमिंग सिंगर्स यहाँ पे गाना गा रहे हैं, अपना संगीत पेश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि रविंद्र जैन जी का जो अवार्ड है वो हम जसपाल सिंह को दे रहे हैं, क्योंकि जसपाल सिंह जी ने गीत गाता चल और मंगल भवन अमंगल हारी वो सब गाने गाए जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हमारे पिताजी के नाम का जो अवार्ड है वो हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दे रहे हैं। मेरी पत्नी मेधा के नाम का अवार्ड हमने एक बहुत अच्छी उड़ीसी डांसर को दिया है जो बहुत प्रॉमिसिंग है, और पंडित हरिओम शरण जी का अवार्ड हम आशीष देसाई जी को दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है वो कनेक्टेड लोग आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। सर, अक्सर अवार्ड शो का कॉन्सेप्ट होता है जिनको ऑलरेडी लोग जानते हैं उसी को प्रमोट करें, उसी को एक्सपोजर दें, वही नहीं होना चाहिए। जी जी, मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमने रविंद्र जैन जी का अवार्ड हेमलता को दिया था, क्योंकि हेमलता जी ने रविंद्र जैन जी के बहुत से गाने गाए थे। आज हम जसपाल सिंह को दे रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हम अवार्ड दें जो काम कर चुके हैं और उनके नाम को सोच के लोग आज इंस्पायर्ड होते हैं और अपना संगीत का सफर तय करते हैं। अब तक हमने स्टेज पे काफी परफॉर्मेंस देख ली हैं, आपने भी बैठ के ऑब्वियसली बातें जज को किया ही होगा, कौन सा परफॉर्मेंस अब तक आपको बहुत अच्छा लगा? अभी तक मुझे अभी कीर्ति अनुराग गा रहे थे भजन, बहुत अच्छा गा रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट टाइम हमने देखा था नए टैलेंट को काकुली जो को आप प्रमोट कर, हां आज यहां पे आप किस खास को प्रमोट कर रहे हैं? आज काकुली आज भी गा रही हैं और अभी जो कीर्ति अनुराग गा रहे थे बहुत अच्छा गा रहे थे। काकोली जी का अभी हमने एक एल्बम भी बनाया है गज़लों का, वो भी रिलीज़ हुआ है। चलिए स्टेज पे जाता हूँ। अगर हेमा भाभी कृपया आप भी मंच पर आए। हर पति के लिए यह बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जब उसकी पत्नी के सामने उसका सम्मान किया जाए। मैं शव तुलसी पौधा सम्मान पत्र पुरस्कार चिन्ह पुरस्कार राशि, सबसे पहले शव अनूप जलोटा जी, आशित देसाई साहब को ही पहनाना है। इसके बाद तुलसी पौधा और सम्मान पत्र अनिल भाई, सम्मान पत्र भी लाया जाए। इसके बाद पुरस्कार चिन्ह, पुरस्कार चिन्ह पुरस्कार की राशि 1,00,000 रुपए का चेक, जो सम्मान पत्र भेंट किया गया है वो मैं आप पढ़कर सुना देता हूं। जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई द्वारा ग्लोरी अवार्ड 2017 के अंतर्गत भजन महर्षि पंडित हरिओम शरण भक्ति संगीत पुरस्कार
प्रसिद्ध प्रतिभावान गायक संगीत निर्देशक श्री आशीष देसाई जी को प्रदान। कहा जाना है केवल 18 वर्ष की आयु में